नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, BSc फ्रॉम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एग्री नॉलेज में आपका स्वागत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये सेम मेरे पीछे सेम की वैरायटी, जो हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है। हम आज आपको जो है दो वैरायटी के पौधे के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हाइब्रिड वैरायटी का सेम का पौधा है, और इसके कलर भी देख रहे हैं कितने अमेजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है। कलरफुल एकदम इसके फ्लावर आते हैं, इसके फल भी जो है कलरफुल आते हैं। ये फल देख रहे हैं आप कि कितना कलरफुल है इसके। और सेम की एक ख़ास बात होती है कि जैसे कि सेम पूरे भारत में आप कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती जो है जैसे कि जून से स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर महीने तक लास्ट होता है। आप अक्टूबर के जून से अक्टूबर के बीच में आप चाहे जब इसकी खेती कर सकते हैं। और इस वैरायटी के पौधों को जो है आप डायरेक्ट खेत में जो है फैला के नहीं कर सकते हैं खेती इसकी। इसको जो है एक मचान बना के जो है इसकी खेती करनी पड़ती है, नहीं तो ये ज़्यादा इसमें फल नहीं आते और ख़राब हो जाते हैं। और इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कम से जो है 15 से 20 दिन बाद आप सिंचाई करें, और हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये अगर आप 3 से 4 पेड़ लगा दिए, इसकी 3 से 4 पेड़ तैयार कर दिए, तो कम से कम जो है कि 15 से 20 केजी पर जैसे कि दूसरे तीसरे दिन आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि 3 महीने बाद जो है पौधा तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर फल फूल लेने लगता है, और 3 महीने तक जो है इसका फल फूल लेता है। और देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हमने ये मचान बनाया हुआ था, वैसे ही आपको ही सेम इसी तरीके से आपको मचान बनाना है, उसी पे चढ़ा के जो है सेम जो है फल देगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये दूसरी वैरायटी का, ये देसी वैरायटी का पौधा है सेम का। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें वाइट कलर का फूल आता है, सफ़ेद कलर का फूल आता है, और इसमें जो फली आती है वो ग्रीन कलर की, हरे कलर की फली आती है इसमें। और सेम की जैसे कि सेम की एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे फरवरी मार्च का जो महीना आ जाता है, तब इसमें एक प्रकार की लाही लगती है, जैसे लाही लगने लगती है, जिसे कहते हैं वाइट मक्खी भी कहते हैं, एफिड भी कहते हैं। तब इनका जब प्रकोप होने लगता है तो आप क्या करेंगे कि इमिडाक्लोरोपीड एक दवा आती है, तो इसको जो है 3 लीटर पानी में जो है 1 ml दवा मिलाकर जो है इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे जो है इसका प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। एंड तब तक के लिए नमस्कार।